प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल पूरे हुए। दूसरे दौर के 2 साल पूरे होने पर सांसद ने सेवा ही संगठन के माध्यम से सेवा कार्य शुरू किए। मोदी सरकार के दूसरे दौर के 2 साल पूरे होने पर सांसद लालवानी बड़ा रक्तदान शिविर आयोजित किए, जिसमें कई लोगों ने रक्तदान किया। इसके अलावा सांसद सेवा संकल्प के माध्यम से कोविड में माता पिता को खो चुके बच्चों को निशुल्क एजुकेशन देने का बीड़ा उठाए हैं। इसके अलावा जरूरतमंदों को राशन बांटने, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाने समेत कई महत्वपूर्ण सेवा के काम भी सांसद शंकर लालवानी कर रहे हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह आह्वान किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के 7 साल पूर्ण होने पर और मोदी जी टूर के 2 साल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के उपदेश को लेते हुए इस विषम परिस्थितियों में सेवा के विभिन्न काम अपने अपने क्षेत्रों में करेंगे। और उसी के अंतर्गत हम पिछले दिनों जिस प्रकार राशन हो, भोजन हो, दवाई हो, जो जो आवश्यक था हमारे इस कोरोना वन में भी हमने सबने मिलकर काम किया और इस कोरोना टू में भी हमने सबने मिलकर सेवा के काम किए। हमने पिछले दिनों ये भी तय किया कि इस कोरोना में जिन परिवारों के बच्चे अकेले रह गए, जिनके माता पिता या कमाने वाले नहीं रहे इस कोरोना कारण, उनको हम शिक्षा देंगे। और शिक्षा ऐसा नहीं, सरकारी शिक्षा तो सरकार दे ही रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5,000 रुपये जो उनकी सहायता के लिए भी दे रहे हैं प्रति माह, लेकिन उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी स्कूल में पहले से ही पढ़ते हैं और मुझे जब उनसे कुछ बच्चों से मिलने का मौका मिला तो उनकी मन की भाव थी कि जिस स्कूल में हम पहले से ही पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में हम पढ़े हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं वो दूसरे स्कूल में जाएंगे तो उनके मन में एक पीड़ा होगी कि मेरे परिवार में कोई कमाने वाला नहीं, इसलिए मैं किसी दूसरे स्कूल में जा रहा हूँ। तो हमने क्या ठीक है, आप जिस स्कूल में पढ़ना चाहते हो आप बताएं, हम उस स्कूल में व्यवस्था करेंगे। स्कूल के साथ साथ हमने कॉलेज के लिए भी व्यवस्था की है कि कोई बच्चे कॉलेज में जाना चाहें, कॉलेज में हैं और उनको अगर कोई समस्या आ रही है तो उनकी भी हम मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। और कॉलेज वालों से बात चल रही है, मुझे लगता है 2-3 दिन में कॉलेज वालों से जब पूरी बात हो जाएगी उसमें जानकारी में आ जाएगा। इस वर्ष के अंत तक केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये निर्णय लिया है कि पूरे देश को वैक्सीनेशन किया जाएगा, ये सरकार ने निर्णय लिया है।